मध्य प्रदेश के सीडी कांड से घबराई बीजेपी। कांग्रेस नेता का दावा, आरएसएस और बीजेपी नेताओं की सीडी उनके पास। बीजेपी अध्यक्ष को घर आकर सीडी देखने का दिया न्योता। मध्य प्रदेश में एक दूसरे को औकात बताने में जुटे बीजेपी और कांग्रेस। मध्य प्रदेश की राजनीति में समय भूचाल आया हुआ है। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने यह कहकर हलचल मचा दी है कि उनके पास संघ और बीजेपी नेताओं की सीडियां रखी हैं। बीजेपी अध्यक्ष अगर चाहें तो मेरे घर आएं और इत्मीनान से अपने नेताओं की करतूतें देख लें। बीडी शर्मा आएंगे, फूलमाला पहनाकर स्वागत करूंगा, सीडी दिखाऊंगा, फिर सार्वजनिक तौर पर सीडी नहीं दिखाऊंगा। कई सीडी मेरे पास है, सीडी में जो चित्र है जो हमें हमारे मित्रों ने दिए हैं मैं उन्हें दिखा दूंगा। ये बात जरूर है कि मेरी औकात नहीं है लेकिन बीडी शर्मा की औकात है, ऐसी औकात को बनाए रखें। डॉक्टर गोविंद सिंह ने अवकाश शब्द पर जोर किया क्योंकि बीडी शर्मा ने चैलेंज दिया था कि अगर नेता प्रतिपक्ष की औकात है तो वो सीडी को सार्वजनिक करें। इस पर पलटवार करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि सरकार चाहे तो एफआईआर कर सकती है, मेरे पास पूरे सबूत हैं, हाई कोर्ट में पेश करूंगा। गोविंद सिंह ने कहा कि झूठ बोलना और किसी का चरित्र हरण करना मेरी आदत नहीं है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी के लोग मेरे ऊपर निजी हमले कर रहे हैं उसके बाद मुझे सीडी वाली बात सार्वजनिक करनी पड़ रही है। नेता प्रतिपक्ष के दावे पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने डॉक्टर गोविंद सिंह पर तंज कसा है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, गोविंद सिंह मेरे मित्र हैं, इस उम्र में ऐसी सीडी रखे क्यों हैं? देखना भी नहीं चाहिए, भजन की उम्र में गजल की कोशिश नहीं करना चाहिए, ऐसी सीडी रखते क्यों हैं? इस तरह की सीडी रखना और देखना आपके लिए अच्छा नहीं है। आपके पास सीडी है तो दिखा दो, रखे रखे खराब हो जाएगी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आपको खुलेआम कह चुके हैं तो आप इसे रखो नहीं, सार्वजनिक कर दो। मध्य प्रदेश गृह मंत्री ने सीडी को सार्वजनिक करने का चैलेंज दिया है तो कुछ इसी तरह की बातें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा, जिम्मेदार राजनीतिक व्यक्ति इस तरह की बातें करें ये बहुत खराब है। वे सदन में नेता प्रतिपक्ष हैं, ये कोई खेल नहीं है कि घर आ जाओ आपको गंदी सीडी दिखाएंगे। इस प्रकार की राजनीति कांग्रेस करती होगी, बीजेपी नहीं करती। मैं फिर कहता हूं कि अगर आप जिम्मेदार हैं, अगर आपने ऐसा बोला है तो समाज के सामने उन चीजों को लेकर आइए। दरअसल इस पूरे विवाद की शुरुआत अनूपपुर के कोतमा से कांग्रेस विधायक सुनील सराफ के एक वायरल वीडियो से हुई है। सुनील सराफ का वीडियो वायरल हो गया था जिसमें वो नए साल की पार्टी में मैं हूं डॉन गाने पर नाचते हुए हवाई फायर कर रहे थे। इस वीडियो को देखने के लिए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एसपी को कार्रवाई के निर्देश दिए थे और सुनील सराफ पर एफआईआर दर्ज हो गई। प्रशासन की इस कार्रवाई से नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह नाराज हो गए। उन्होंने दावा किया कि विधायक ने कोई भी काम गलत नहीं किया है। गृह मंत्री छोटी छोटी बात पर कांग्रेस विधायकों और कार्यकर्ताओं पर एफआईआर कराते हैं, इससे कांग्रेस विधायक दबने वाले नहीं है। हम 2023 के विधानसभा चुनाव में इसका जवाब देंगे, विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सफाया हो जाएगा। इसके आगे जो कुछ डॉक्टर गोविंद सिंह ने बोला उसे लेकर ही इस समय मध्य प्रदेश की राजनीति में बवाल मचा हुआ है। नेता प्रतिपक्ष ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि हमारी संस्कृति नहीं है, वरना हमारे पास भी बीजेपी और आरएसएस कार्यकर्ताओं की सीडी है। सीडी मैंने देखी है, रिकॉर्ड में रखी है, हम गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, धनौदर्पण न्यूज़।